उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको पता है कि मेरे इस पेज पे जो एक हफ्ता पहले मैंने मुबशर सदीक के लिए वीडियो बनाई थी, मेरे दाएं तरफ खड़े हैं तनवीर देसी जट यूके के नाम से, इनका जो है वो चैनल है यूट्यूब पे, टिकटॉक पे। ये भी गए थे मुलाकात करने के लिए मुबशर सदीक साहब से अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरे बाएं जानब खड़े हैं मुदस्सर चौधरी साहब, ब्रेडफोर्ड से इन दोनों का ताल्लुक है। ये भी इनसे पहले ये गए थे मुदस्सर भाई। और थोड़ा सा बता दूं कि जिन बंधु के घर वो रह रहे थे मुदस्सर और जैन, मुबशर और जैन सॉरी, वो इनके मामू का घर था, इनके मामू के घर वो रुक रहे थे। उसके बावजूद इनके साथ क्या पेश आया, इनके साथ जो पेश आया वो आप लोगों ने सुना देखा, इनकी ज़ुबानी, मेरी ज़ुबानी और बहुत से बंधु की ज़ुबानी। आज चूँकि मैंने मुनासिब समझा कि मैं इनके पास आया हूँ ब्रेडफोर्ड, इन दोनों की मेहरबानी, उन्हें टाइम दिया है, इस मसले पे आखिरी बात होगी हमारी अब पाकिस्तान आने से पहले, ये आखिरी वीडियो है हम तीनों की। और आज थोड़ा सा पहले बताएंगे तनवीर भाई के इनके साथ क्या स्टोरी पेश आई, फिर थोड़ा सा हमें मुदस्सर भाई बताएंगे कि इनके साथ क्या वाक्य पेश आया। अगर किसी को लगे कि हम लोग फैम के लिए, व्यूज़ के लिए, या हसद है, हमें जेलसी है, तो वो नीचे कमेंट कर सकता है और ये वीडियो आप लोग जो है वो मुदस्सर और मुबशर और ज़ैनुल आबदीन तक पहुंचा सकते हैं। अगर वो ये कहें कि ये दोनों बंदे झूठ बोल रहे हैं, तो फिर भाई जो सज़ा आप हमें देंगे वो कबूल करेंगे हम। तो बढ़ते हैं तनवीर भाई की तरफ, इनसे पूछते हैं कि क्या वाक़या पेश आया। तनवीर भाई तो अपना कमरान भाई, पहले तो मैं थोड़े चैनल का शुक्रिया अदा करना चाहना, तुम आए हो साढ़े को, समझ इस काबल भाई जरा हकीकत है वो अपने चाहने वाले नाल शेयर करिए। शेयर करिए बिल्कुल। तो असल गल यह उहरी गल, बंदा टाइम लिया सी, दोए भाई उन्हें जिन्ना टाइम लिया सी, उन्हें मैनू कहा मैं किधर वीडियो बना गया जिते ना, तो मैंने घरों लैके गए थे, उन्हें कहा चलो असी रोटी शोटी खा के ना चलेंगे मुबशर मिलन। मैं उन्होंने कहा भाई जी रहन दो, कोई फायदा नहीं जानता, मेरे पैरे दोस्त ने उस गल हुई सी, उन्हें कहा उन्हें बदतमीजी हुई है, तो साढ़े नाल भी होएगी, बड़े मगरूर जो लोग ने, उन्हें कहा नहीं असी टाइम लिया तुम चलो साढ़े नाल, फिर जाते तो घर भी ला देंगे, तुम वीडियो तो मेरी वेखी है। उत्थे अंदर गए हैं बैठे हैं थोड़ी देर, तो मैं कहा चलो जैन नाल मुलाकात करा रहे, उस गल्लां कीतियां ही नहीं, मैं ही कीतियां ने ज़्यादा, उनका तो दिल से किधर टाइमिंग लिया सी, उस पैसे कमाने से उन्हें चक्करा जो बड़ा मसरूर। अच्छा, मुबशर ने आपके साथ कितनी देर बात की जब आप आमने सामने बैठे रहे उधर, कितनी देर? यकीन करो दो लाख लोग कहे ने, कोई 20-25 मैं ही कहे ने, 20-25 दफा तुसी बोले और नहीं बोले थोड़े जेडे उन्होंने भाई मुदस्सर के अंकल से ना जी, वो तो पछाण लिया मैंने भाई तुम यूट्यूब बना दे, माशाला चंगा काम कर रहे हो, रिस्पैक्ट करता उन्हें, चाह पानी पियाई, रोटी का भी कहा सर, रोटी शोटी तो खानी नहीं, खा के आया जिसमें गए से असी, तो वह मैं ही बोलिया मैं सुनाओ यूके आए हो क्यों जहाँ लग्या, कोई जवाब शवाब नहीं, मैं यार चुप करके बैठा रहे, वो बैठा रहा, लोग वेखन मेरे हाल जिम्मे मेरी आदत है हस के मैं बोलता ही रहा, मैं हूँ आए जो हाँ ते बोलना ते बनदे जनाब, बंदा पुछदा बंदा प्रदेश आया ते बंदा साडे लोग की वजह लगे, जो ये लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ, आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक है, जैसे वो कहता है कि अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बिस्मिल्लाह बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए हर मुसलमान को, लेकिन मुझे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सुन्नत और हदीस याद आती है कि वो तो हमारे आका दो जहाँ जब उनसे कोई बंदा मुखातब होता था तो वो पूरे उसकी तरफ मुड़ते थे ऐसे, वो ये भी नहीं कि हमारा जी ठीक हो नहीं भाई, और जड़ी होंगे ना, देखो जी इज्जत जिला देना रब की जात है, तो बंदे दे वास च नहीं है, तो असी गए जड़ी मेरे उदे मुताबिक गल की ना, उदे चैनल मुताबिक उस जवाब दिता जड़ी उन्हें चंगी लगती सी, जड़ी उन्हें अच्छी लगी जवाब, जड़ी मैं वैसे गल की ना, मैं तुम आए हो यूके दे अंदर, तुम्हें यूके किए जहाँ लगा, कोई जवाब नहीं, मैं चलो यूके के लोग किए जहाँ लगे ने, इतने का माहौल किए जहाँ लगा, बंदा होंगे ना हूँ मैं तुम आए हो पाकिस्तान तो, मैं तुहाड़े को भी कहा नहीं जी साडे यूके यूके बड़े अच्छे लोग ने, खुश होके मिलते ने, जाहिर गल है किसी ना मिले हो तो वो कह कमन ना, ये ज़र्फ की बात है ना, और ऊपर से उनकी आकड़ थी ना, आज मुझे लगता है आकड़ थी, खुशी होनी चाहिए ना, और असी प्रदेश से सानू अपनी कम्युनिटी जानती है ना, जानती है खुशी होती, जब तुहाड़े नाल आया मैं इत्थे घूमया मार्केट में, मैनू मजा आ गया, देख लो मैं मजा आ गया, बंदे मिलते आके गले लगांदे, कोई चाह दा पुछदा, कोई चाह पानी दा पुछदा, बिल्कुल मैनू मजा आया, तो फिर जरा भी उन्हें गल नहीं कराई, बिल्कुल घड़ी घड़ी मोबाइल वेख रहा सी, मैं जरा गलत इंटरव्यू मारी भाई, उन्हें टाइम लिया सी, तो मैं तो वैसे फस गया उत्थे जाके, मैं क्या हूं आया चलो जैन नाल ही मुलाकात कर रही है, तो वो कहना नहीं भाई जी वो व्लॉगिंग, मैं मन नहीं गया, मैं चलो बंदा हूं आया व्लॉगिंग बना गया, वो तो कुदरती उन्होंने चुकया ने पर्दा फाश होना सी, वो भी पिछे पिछे असं निकल आए, मैं ठीक है जी असं चलते हैं, अरे जी सैल्फी लै लियो, मेरा वो भी दिल नहीं सी सैल्फी, भाई और जड़े गए मेरे नाल उन्हें सैल्फी, तो भाई महफूज कहने जी सैल्फी लै लो, उस नहीं जी मैं रहन दो, नहीं ये लोग तुम्हारी वजह ही बने ने, भाई महफूज के अल्फाज ने उन्हें कहा जी
ਨਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੀ ਨੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕੌਣ ਜਾਣ ਤੇ ਲੈ ਲਿਓ ਸੈਲਫੀ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਮਾੜੀ ਜੀ ਸੈਲਫੀ ਲੈ ਲਈ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਬਾਹਰ ਮੈਂ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਘਰ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕੁਦਰਤੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਡੀ ਖਲੋਤੀ ਸੀ ਵਿੱਚ ਲਾਈਟ ਆਨ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਚਲੋ ਇੱਕ ਜ਼ਹਿਨ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜ਼ਹਿਨ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਚਾਹਤ ਵਿਖਾਈ ਮੈਂ ਜੂੰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਹੋਇਆ ਨਾ ਮੈਂ ਚਲੋ ਸਲਾਮ ਕਰ ਲੈ ਹੁਣ ਆਏ ਜਾ ਉਸ ਲਾਈਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅੱਛਾ ਜ਼ਹਿਨ ਨੇ ਲਾਈਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆਪਕੋ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਜਰਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਫਿਰ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾ ਮੁਬਸ਼ਰ ਭਾਈ ਆ ਗਿਆ ਤੋ ਉੱਥੇ ਖਲੋਤਾ ਸੀ ਉਸ ਵੀ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆਖਿਆ ਮੁਬਸ਼ਰ ਭਾਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮਾਜ਼ਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਖਲੋ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਖਲੋਣ ਦੀ ਸਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੀਜੇ ਭਾਈ ਆਏ ਸੀ ਨਾ ਗੱਡੀ ਦੀ ਚਾਬੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੀ ਠੀਕ ਹੋ ਅਸੀਂ ਆ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਖਲੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਗਿਆ ਉਹ ਉਧਰ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਬੰਦਾ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮੁਬਸ਼ਰ ਭਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਆਕੜ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਅਸਲੀ ਚਿਹਰਾ ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਦਿਖਾ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਸਟਾਈਲ ਦੱਸੋ ਜ਼ਰਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਹਮੇ ਉਹ ਸਟਾਈਲ ਬਤਾਈ ਜੈਸੇ ਉਸਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿਆ ਆਪਕੋ ਆਕੜ ਮੈਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਜਾਨ ਛੱਡੋ ਸਾਡੀ ਉਹ ਆਦਾ ਭਾਈ ਜੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੀ ਹੋ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹ ਦਾ ਵੀ ਖੁਦਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਕਿਹਾ ਉਹ ਭਾਈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਉਸ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਿਆ ਹੋਇਆ ਕੀ ਅਸਲ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਸੀ ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਰ ਵਾਰੀ ਖੁਦਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਗਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਨੇ ਆਂਦਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕੋਲ ਖਲੋਤੇ ਹੋ ਅੱਛਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਖਲੋਤੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਯਾਰ ਬੰਦਾ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਆਪਣੀ ਪਿਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਇੱਜ਼ਤ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੁੰਦੀ ਮੇਰਾ ਭਰਾਓ ਜਿਹੜੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਆਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਹੱਕ 'ਚ ਕਰੋ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ ਮੈਂ ਮੁਬਸ਼ਰ ਭਾਈ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਚਿਹਰਾ ਤੇਰਾ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਚਿਹਰਾ ਤੇਰਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੂੰ ਕੈਮਰੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕੈਮਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਬੜੀ ਗੜਬੜ ਹੋਈ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰਦਾ ਨਾ ਉਸ ਐਕਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਪਿਆ ਆਦਾ ਜਾਨ ਛੱਡੋ ਮੇਰੀ ਅੱਛਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਹੋਗਾ ਉਹ ਯਾਰ ਜਾਨ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ ਦੂਜਾ ਭਾਈ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਸ ਉਠਾਇਆ ਉਸ ਨੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸਪੈਕਟੇਬਲ ਹੋ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਉਸ ਕਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਐਕਟਿੰਗ ਸੀ ਜਾਨ ਛੋ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਜਾਨ ਛੋ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਐਂਡ ਤੇ ਅੱਦਾ ਭਾਜੀ ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ ਮੈਂ ਵਾਕਈ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਕੀਮਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਨੋਟ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜੀ ਜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਪਿਆਰ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਰਾਂ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਬੂਟ ਵੀ ਚੱਕ ਕੇ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਨੋਟਾਂ ਪਿੱਛੇ ਆਇਆ ਸੀ ਯੂਕੇ ਯਾਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਏ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਵਾਉਣ ਗਿਆ ਸੀ ਮੁਦੱਸਰ ਭਾਈ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਮਰਵਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਹਿਸ਼ਾਤ ਨੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਦਿਲ ਅਜ਼ਾਰੀ ਹੋਏਗੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਹੀ ਜਾਓ ਨਾ ਹੀ ਜਾਓ ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਨੋਟ ਨੇ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਦਿਓ ਦੁਆਵਾਂ ਵੀ ਦੇਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਆਖਰਤ ਵੀ ਸਵਾਬ ਵੀ ਲੱਗੇਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਆਖਰਤ ਵੀ ਸਵਰ ਜਾਏਗੀ ਜੀ ਕਿਉਂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੋਈ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਛੁਡਵਾ ਦਿੱਤਾ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਛੁਡਵਾਇਆ ਇੱਕ ਉਧਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਆ ਗਿਆ ਉਸ ਛੁਡਵਾ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਿਹੋ ਤੇ ਮੈਨੇ ਤਾਂ ਬੜੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਇੱਜ਼ਤ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰੀ ਹੈ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰੀ ਹੈ ਜੀ ਕੋਈ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੋਈ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆ ਜਾਏ ਜੀ ਇੱਥੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਗੁਲੋਕਾਰ ਆਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਅਕਰਮ ਦਾਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣੀ ਹੈ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਉਹਨਾਂ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਜ਼ਾਰੀ ਕੀਤੀ ਅਗਰ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਬਣਵਾਉਂਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਮੇਜ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਸੀ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਫੇਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਸੀ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਕਹੇਗੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਭਾਈ ਮੁਬਸ਼ਰ ਗਏ ਨੇ ਜ਼ਹਿਨ ਭਾਈ ਗਏ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਬਣਵਾਈਆਂ ਨੇ ਸੈਲਫੀਆਂ ਲਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਗਲਤ ਨੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸਾਬਰ ਕਰਨ ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਔਕਾਤ ਵਿਖਾ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹ ਯੂਕੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਪਰ ਇਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਕਮਰਾਨ ਭਾਈ ਚਲੋ ਜੀ ਇਹ ਸਨਤ ਦੇਸੀ ਚੱਟ ਯੂਕੇ ਚੈਨਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਪੇਸ਼ ਆਈ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਤੇ ਥੇ ਕਿ ਟਾਈਮ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਏ ਥਾ ਤੋ ਕਿਉਂ ਮਿਲਣੇ ਕੇ ਲਈ ਗਏ ਥੇ ਭਾਈ ਕੋਈ ਯੂਕੇ ਆਇਆ ਥਾ ਵੋ ਤੋ ਇਹ ਫੈਨ ਥੇ ਉਸਕੇ ਇਨਕਾ ਦਿਲ ਥਾ ਕਿ ਚਲੇ ਮਿਲ ਲੈ ਲੇਕਿਨ ਇਨਕੋ ਕੋਈ ਔਰ ਬੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਥਾ ਟਾਈਮ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਥੇ ਇਹ ਟਾਈਮ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਥੇ ਉਸਨੇ ਟਾਈਮ ਦਿਆ ਥਾ ਤੋ ਇਹ ਗਏ ਥੇ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮੇਰੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਸੀ ਉਸੇ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਵੈਸੇ ਤੋ ਯਾਰ ਪਿੱਛੇ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਮੇ ਸਗੇ ਭਾਈ ਕੇ ਘਰ ਕੋ ਬਿਨਾ ਟਾਈਮ ਬਤਾਏ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜਨ ਮੈਂ 4 ਵਜੇ ਆਉਂਗਾ 5 ਵਜੇ ਆਉਂਗਾ ਜਾਂ ਇਤਨੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਹੈ ਯਹਾਂ ਪੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੋ ਇਹ ਤੋ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੇ ਘਰ ਗਏ ਥੇ ਤੋ ਡੈਫੀਨਿਟ ਟਾਈਮ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਥੇ ਆਪ ਸੁਣਤੇ ਹੈ ਥੋੜੀ ਸੀ ਗੁਫਤਗੂ ਹਮ ਚੌਧਰੀ ਮੁਦੱਸਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਇਹ ਉਰਦੂ ਮੇ ਬੋਲੇਂਗੇ ਆਜ ਗਰਜ ਕੇ ਬੋਲੇਂਗੇ ਚੌਧਰੀ ਮੁਦੱਸਰ ਭਾਈ ਚੁ
अल्लाह के फजल करम और रहमत से हम लोग ठीक हैं, और उम्मीद करते हैं अल्लाह के फजल करम और रहमत से आप लोग भी ठीक ठाक होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जी आपके लिए खाना बनाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जी। अब्बा जी कैसा लगा? वाह जी पुत्र वाह, माशाल्लाह वाह जी पुत्र। पुत्र मजा आ गया। व्लॉग साहब, मैं आपकी प्रमोशन के लिए आपसे 3,000 पाउंड अगर आप देंगे तो फिर क्या मैं जनाब गरीब बंदा हूं, थोड़ा सा निजाम चला। वरना जी हमारा टाइम बहुत कीमती है, आप किसी और से इंटरव्यू ले लें। थोड़ा सा मेहरबानी करें गरीब बंदा, 3,000 हमारा हमारा 3,000 पाउंड पक्का है। अगर तो बेशक आपके मामू के घर में रह रहा हूँ, मैं आपके साथ वीडियो नहीं बनानी। जो मर्जी है। कौन मामू? मैं किसी को नहीं जानता। हमारा टाइम कीमती है, मैं आपको 2 मिनट दे चुका हूँ। अच्छा ये तो था मुबशर सदीक। अच्छा बेसिकली मेरा नाम चौधरी मुदस्सर है और मैं वेस्ट यॉर्कशायर से तल्लक रखता हूँ, ठीक है ना। मेरा गरीब खाना मीरपुर आज़ाद कश्मीर में है, और जो चोई महफूज साहब हैं, जैसे कि हमारे देसी भाई देसी जट साहब ने कहा, तनवीर भाई ने, कि वो ख़ानदानी बंदा सामने नज़र आ जाता है। उन्होंने इनकी बहुत खिदमत की, इन्होंने बहुत इनके वेलकम किया, इनको खाना पीना पूछा। जो मसलन एक मेहमान की आप खिदमत करते हो, क्योंकि मेहमान रब की रहमत है, ठीक है। जैसे कामरान भाई ने आगे कहा कि हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उन्होंने हदीस बताई, मैं उस पर एक थोड़ा सा ऐड करना चाहता हूँ बात, कि जब सहाबा कराम एक दूसरे को जो मिलते थे ना, तो सुबह जो चाहे मिलते थे, जो सुबह पहल करते थे ना, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, वो जिस बंदे के जिस सहाबी को करते थे, वो दूसरा सहाबी शाम के टाइम जब उनको मिलता था ना, वो पहले फिर करता था सलाम। के पहले वाला दिन को सुबह उनको उन पर सलामती भेजता था, और रात शाम वाला सुबह वाले पे फिर जाके सलामती भेजता था। सो सलाम करना बहुत अच्छी चीज़ है। हम मुसलमान हैं, मैं अल्लाह को हाजन नाजन जान के जो बात करूंगा सच करूंगा, क्योंकि मैंने वीडियो नहीं बनाई पिछले 3 हफ्ते से। बड़ा टिकटॉक पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे ये एक रोला रहा है। मुझे कामरान भाई ने भी कहा वीडियो बनाए, मुझे तनवीर भाई ने भी कहा वीडियो बनाए, मुझे और भी दोस्त अहबाब ने कहा कि वीडियो बनाए। मैंने नहीं बनाई क्योंकि मैं फेम नहीं था लेना चाहता, पर मैंने हकीकत इनको मैंने वादा किया था कि मैं वीडियो बनाऊँगा, और मेरी वीडियो दबंक ये, क्योंकि कामरान भाई का चैनल है, इस पे इनके जो इंस्ट्रक्शन है उस पे मैं बात करूंगा, क्योंकि इन्होंने कहा कि ये थोड़ा और टाइप का इनका चैनल है, मेरा और टाइप का चैनल है। तो अगर आपको वो दबंक वीडियो देखनी है, वो ब्रेडफोर्ड टीवी पे जाके आप यूट्यूब पे देख सकते हो, ठीक है। वो इंशाल्लाह कल अपलोड हो जाएगी। अच्छा जो चोई महफूज साहब हैं, वो बहुत अच्छे इंसान हैं, मेरे मामू हैं, ठीक है, रिश्ते में वो मेरे मामू लगते हैं। उन्होंने बेसिकली तनवीर भाई ने मुझसे रब्ता किया, इन्होंने कहा जी कि मैंने सुना जी मुबशर सदीक साहब आए हुए हैं, तनवीर भाई आप भी साथ आ जाए, इस बात की आप क्लियर कर दें कि ये बात हुई है या नहीं। कि इन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे रब्ता किया, इन्होंने कहा मुदस्सर भाई ये सुना मुबशर सदीक आपके ब्रेडफोर में आया हुआ है, पता करें यहाँ कहाँ आया हुआ है। अच्छा मैंने कहा चल ठीक है। मैंने एक दो कॉल्स की, पता चला कि वो अंकल महफूज के घर आया हुआ है। मैंने रब्ता किया, रब्ता करने के बाद अंकल महफूज से रब्ता हुआ, उन्हें मैंने कहा जी कि मिलना चाहते हैं, उन्होंने कहा जी ठीक है, मोस्ट वेलकम, अभी हम बाहर हैं, शाम को आ जाओ। इन्हें मैंने कॉल की, ये लंदन जा रहे थे, इन्होंने कहा भाई मुदस्सर मैं लंदन की तरफ निकला हूँ, तो मैंने 2 दिन तक वापस आना है, 2 दिन तक प्रोग्राम बना ले। मैंने कहा चलें जी ठीक है, क्योंकि अभी मैंने शाम को टाइम ले लिया, आपको फिर लेके चले चलेंगे, जब आप आए वापस मुझे बताना, फिर टाइम ले लेंगे, क्योंकि घर की बात है, वो मसला ही कोई नहीं है, ठीक है ना। हमें तो अपॉइंटमेंट की भी जरूरत कोई नहीं है, क्योंकि हमारा अपना घर है, वहाँ मिलेगा तो मिलेगा, ना मिलेगा हमें उस घर से तो कोई नहीं रोक सकता। अच्छा तनवीर भाई ने कहा ठीक है, मैं चला गया हूँ शाम, क्योंकि मैंने उनसे टाइम ले लिया था। मैं गया हूँ, आए हैं मुबशर सदीक साहब, माशाल्लाह अल्लाह ताला उनको दिन दुगनी रात चुगनी बेइज्जती अता फरमाए उनकी, अल्लाह ताला उनको इतना जलील करे अल्लाह ताला, क्योंकि अल्लाह ताला के हाथ में हम क्या इंसान है, ठीक है, जैसे वो इंसान है ना, उनको जलील होना वो डिज़र्व करते हैं। सो बेसिकली आके मुझे मिला, मिल के बैठ गया। वो दूसरा जो छोटा मंकी था वो आया, जैन है, आप सोचोगे मंकी कौन है, बंदर यार जैन, वो आया, उसने आके ना मुझे सलाम अलैकुम वालेकुम सलाम बैठ गया। मुबशर सदीक से मैंने बात शुरू की, मैंने कहा जी क्या हाल है आपके, माशाल्लाह वीडियो देखते हैं, जैन भाई की तो देखते हैं, बड़ी मज़े की होती हैं, जैन भाई की वीडियो देखने में मज़ा, इनका कॉन्टेंट भी बड़ा है, और ये आपका मुश्किल है इनका आसान है। अच्छा उस दौरान मामू फ़ोन पे लगे हुए थे, वो कहीं कॉल पे बिजी थे,
ठीक है ना। मुबशर सदीक के अंदर एटीट्यूड आया, ड्यून द कॉल मामू ने इतना कह दिया ये कि ये मेरा भांजा है, उन्होंने तारफ करवाया, ठीक है ना, ये चोए मुदसर है, मेरा भांजा है और ये भी वीडियो चोए बनाता है। और मेरे सबको पता है कि मैं शौकिया बनाता हूँ, मुझे कोई, मैं रेगुलर यूट्यूबर नहीं हूँ, ठीक है ना। अच्छा, उसने कहा जी आपका यूट्यूब चैनल क्या है, मैंने बताया ब्रेडफुट टीवी। उसने ओपन किया, उसने मेरी एक माइक वाली वीडियो थी जो अतीक भाई बहुत बड़े नात खान है, ठीक है ना, उनके साथ हमने बर्मिंघम कमरान भाई साथ थे, हमने बनाई थी, वो एक इंटरव्यू था उनका, वो मैंने लिया था, ठीक है ना। उसने कहा ये चैनल मेरे टाइप का नहीं है, मैं इसको देखना पसंद नहीं करता, अल्लाह की कसम उसने ये अल्फाज किए। ज़ैन ने ये कहा? नहीं नहीं, वो दूसरे बड़े बंदे थे। अच्छा अच्छा, बड़े बंदे भाई, मुबशर भाई क्या छोटा तो वो बात ही नहीं ना करता, वो छोटा तो क्यों क्या तो अतीक भाई से यार हम मिले हैं, कमरान भाई आपको पता है हमारे दोस्त है, जितनी उस बंदे में प्यार मोहब्बत इखलाक है ना, ये उसकी जूती की जो मट्टी है ना, मट्टी, एक जूती की मट्टी है अतीक भाई की, ये उसके साथ भी नहीं मिलते, ठीक है ना, ये इस टाइप के बंदे। अच्छा खैर, मुझे जो लोग जानते हैं ना, जितने भी जो लोग जानते हैं, यहाँ भी कमरान भाई क्या कहीं मेरे जानने वाले देखेंगे, उनको पता है कि मैं एक मिनट में ना फ्लिप होता हूँ, एक मिनट से पहले मैं फ्लिप होता हूँ, ठीक है ना। मैंने बहुत कंट्रोल अपने आप को रखा, क्योंकि मैं जिनके घर गया हुआ था ना वो मेरे रिलेटिव थे, ठीक है ना, और मैं नहीं था चाहता कि उनके घर जो मेहमान गए ना मैं उनकी कोई खातर तवाजो करूं। आपको पता खातर तवाजो कौन सी होती है? अच्छा, काफी रिस्पेक्ट देती मामू, क्योंकि करनी पड़ती थी ना, क्योंकि वो ही है ना पंजाबी में कहावत, कुत्ते तुहाड़े मालिका ने मुंह, क्योंकि उनके मालिक तो वो थे, ठीक है ना, उनके घर वो मेहमान आए हुए थे, और हम जिस खानदान से तल्लक रखते हैं ना, चोए महफूज साहब गुस्से में काफी कंट्रोल, चोए महफूज साहब जिस खानदान से तल्लक रखते हैं ना, हमें ये सिखाया गया कि घर आए में दुश्मन को भी ना इज्जत देनी, ठीक है ना, अगर वो ये चीज बाहर करता ना फिर उससे दो दो हाथ होते। अच्छा, उसके बाद उसे मैंने कहा जी माशाल्लाह, उसने कहा जी कि ज़ैन के बारे में बातें शुरू हुई, ज़ैन ने एक लफ्ज होता ना कि भाई आप क्या करते हो, कुछ भी नहीं, ठीक है ना, उसने कहा ज़ैन के बारे में बातें शुरू हुई। अच्छा, करते